आखिर एनडीए कैसे 400 पार को लेकर आश्वस्त है? आखिर बीजेपी को ऐसा क्यों लगता है कि 2024 चुनाव में उनकी पार्टी की संख्या 2014 और 19 से भी अधिक होगी? आखिर कैसे बीजेपी 2018 में हार के बाद 2023 में भी हिंदी पट्टी के तीन बड़े राज्यों पर प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आती है? इसे समझने के लिए जरा हिंदुस्तान के नक्शे को तीन अलग अलग नजरिए से देखते हैं। पहला नक्शा है 1951 लोकसभा चुनाव के नतीजों का, दूसरा नक्शा है 2009 के चुनावी नतीजों का, और तीसरा नक्शा है 2019 के चुनावी नतीजों का। इन तीनों नक्शों में भारतीय राजनीति का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन साफ साफ आपको नजर आएगा। सबसे पहले बात 1951-52 चुनाव की कर लेते, जिसके नतीजों से साफ है कि उस वक्त देश में वन पार्टी सिस्टम जैसे हालात थे। अब आइए 2009 के नतीजों पर। इस नक्शे का रंग दर्शाता है कि कैसे आजादी के 6 दशक बाद हिंदुस्तान मल्टी पार्टी सिस्टम की तरफ बढ़ा था। और अब तीसरा नक्शा 2019 का है, यानी ठीक 10 साल के बाद भारत में कैसे फिर से एक नेशनल पार्टी ताकतवर हुई और दौर आया भारत में रीजनल पार्टी के क्राइसिस का। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा हुआ कैसे? हालांकि भारतीय जनता पार्टी का जिक्र करें तो भारतीय जनता पार्टी शुरुआत से ये कहती आई है कि रीजनल पार्टी राष्ट्र के मुद्दे जो असली होते हैं उससे भटकाती है, इसलिए देश में राष्ट्र पार्टी ही होनी चाहिए अगर देश हित की बात करें। और आपने उनकी मैकेनिज्म में भी देखा होगा, वो भले ही रीजनल पार्टी से अलायंस करती है, एनडीए अलायंस की बात होती है और बहुत सारे रीजनल पार्टी साथ हैं, वो चुनावी मुद्दा हो सकता है, चुनाव में आगे बढ़ना संगठन, लेकिन सोच यह है कि रीजनल पार्टी नहीं होनी चाहिए, रीजनल पार्टी राष्ट्र मुद्दों से भटकाती है। और धीरे 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 रीजनल पार्टी जो हाशिए पर आई, कम हुई, उनका जनाधार खत्म हुआ, उसमें बहुत बड़ा हाथ 2014 से अब तक भारतीय जनता पार्टी करा। उनके बड़े नेताओं को भाजपा में विलय कर लेना, उनके संगठन को ले लेना और तमाम ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन सवाल है कि आखिर जैसा हम पूछ रहे हैं कि ऐसा हुआ कैसे जो क्षेत्रीय दल अपने राज्य के लोगों के हित का नारा लेकर मेन स्ट्रीम राजनीति में आए? जिन क्षेत्रीय दलों ने भाषा और स्थानीय हित के लिए अलग राज्य का आंदोलन तक चलाया, आखिर अब जनता ने उन्हें क्यों नकारना शुरू कर दिया? हालांकि ये सब जगह नहीं है, सब जगह ऐसा नहीं है। जैसा मैंने आपको बताया कि केरला में क्षेत्रीय दल अभी हावी हैं, तमिलनाडु में क्षेत्रीय दल हावी हैं, साउथ में क्षेत्रीय दल हावी हैं क्योंकि वो अपनी भाषा और अपने तौर तरीकों पर जो वहाँ की जनता उन क्षेत्रीय दलों को चुनती है। लेकिन अगर इन जनरल हम देश की बात करें, क्षेत्रीय दल उस तरीके से अपना मुकाम हासिल नहीं कर पा। हालांकि 2 राज्य में क्षेत्रीय दल अब भी ताकतवर हैं, लेकिन उनका जनाधार हर चुनाव के साथ कम होता जा रहा है। अब जरा आपको क्षेत्रीय दलों के वोट शेयर के कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। 2009 में जहां क्षेत्रीय दलों का वोट शेयर 52.6% था, तो वहीं 2014 में ये घटकर 48.6% हो गया। 2019 में इस आंकड़े में और गिरावट आई और क्षेत्रीय दलों का वोट शेयर 43.2% तक गिर गया। अब देखिए, हम एक एक कर सभी दलों के हालात और उनकी कमजोरी की चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि देश में राजनीतिक दलों की शुरुआत हुई कैसे। भारत में रीजनल पार्टियों का उदय सांस्कृतिक विविधता, क्षेत्रीय असमानता और ताकत के विकेंद्रीकरण के मुद्दे पर टिका है। 1967 के बाद जब कांग्रेस की पकड़ देश की राजनीति पर कमजोर हुई, तो भारत में एक के बाद एक कई राजनीतिक दल ने विकास किया। इनमें 1949 में DMK, जिसका जिक्र हम आज भी करते हैं, और 1972 में AIDMK की स्थापना की गई। और आज इन दोनों ही पार्टियों का अपना एक वर्चस्व अपने इलाके यानी तमिलनाडु में है। वहीं 1920 में बनी शिरोमणि अकाली दल और 1939 में नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसी पार्टियों की भी ताकत बढ़ी। साथ ही पहचान के आधार पर शिवसेना और NCP जैसी पार्टियां अस्तित्व में आईं। इतना ही नहीं, जाति के आधार पर सपा, बसपा और राजद का आधार भी रखा गया। वहीं क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं का नारा देकर अलग राज्य की मांग करते हुए JMM और BRS जैसी पार्टियों भी मुख्यधारा की राजनीति में आती चली गई। 1989 में पहली बार कई क्षेत्रीय दलों की मदद से केंद्र में सरकार बनी। 2 दशक तक यही सिलसिला चलता रहा, जिसका नतीजा रहा कि देश में गठबंधन की सरकार चली
और जिसका कई मामलों में देश को नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन इसके विपरीत एक बात और कही जाती है कि जब गठबंधन की सरकार होती है तो जनता की बात मानी जाती है, और जब अकेली सरकार किसी पार्टी की होती है और मजबूती से होती है तो अपने हिसाब से करती है। लेकिन कई बार देशहित का मुद्दा इसलिए नहीं हो पाता, जैसे महिला आरक्षण की बात। गठबंधन की सरकार थी, कुछ पॉलिटिकल पार्टी चाहती थी, कुछ नहीं चाहती थी। सरकार गिरने का डर था, इसलिए 27 साल तक महिलाओं को राजनीति में आरक्षण नहीं मिला।